हम इस वक्त खड़े हैं तिनसुकिया के 7 नंबर वार्ड के पर्वतिया फीडर रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के मंडप के समक्ष। यह पूजा सन 1956 से यहाँ आयोजित की जाती है और जैसा कि बंग भाषी समाज का के लिए दुर्गा पूजा विशेष महत्व रखता है, इस अंचल के जो बंग भाषी समाज के लोग थे उन्होंने यहाँ 1956 से, ये देखिए स्थापना यहाँ की गई है 1956 से इस दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। और जैसा कि हमने आज दुर्गाबाड़ी के समाचार के प्रसारण में कहा था कि तिनसुकिया में बहुत सी पूजाएं ऐसी आयोजित होती हैं जिनमें सजावट विभिन्न तरह के आडंबर ज़्यादा रहते हैं, पर अधिकांश पूजाएं ऐसी होती हैं जो प्रत्येक वार्ड के पाड़ा मोहल्ले में आयोजित होती हैं, जहां पूजा पर विशेष विधि विधान पर ध्यान दिया जाता है, पारंपरिक ढंग से दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ ढाक जो एक प्रचलित वाद्य है जिसके ताल पर आरती की जाती है, दुर्गा पूजा का विशेष वाद्य यंत्र कहलाता है ढाक, और जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल या विभाजन से पहले जो बंगाल था उससे ही हुई थी और वो ढाक बज रहा था। आइए हम ढाक का सीन दिखाते हैं। सबको मालूम है कि स्वर्गीय शारदा देवी खेतान स्मृति न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष तिनसुकिया की दुर्गा पूजाओं को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जो 20 वर्ष इस वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वर्ष भी यह प्रतियोगिता आयोजित हो चुकी है और जब यहाँ पिक न्यूज पहुँची तो हमने देखा कि यहाँ भक्ति ग्रुप है, उसके जो जजेज हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम इनके पास चलते हैं, कमल तालुकदार जो तिनसुकिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। গোটে তিনিচুকীয়া ফুৰিলে কেনেকুৱা পালে? আমি তিনিচুকীয়াৰ এতিয়ালৈকে 52 পূজা চাইছোঁ। ৰাতিপুৱা 6:30 ওলাইছোঁ, ওলাই পেলাই এতিয়া 52 এতিয়ালৈকে হৈছে আমাৰ, আৰু দুখনমান আছে। আমি ভক্তি গ্ৰুপৰ আমি বিচাৰক হিচাপে আছোঁ আৰু আমি এতিয়ালৈকে এইবাৰৰ পূজাত বহুত আধ্যাত্মিকতাৰ ৰূপত পূজাবিলাক সমাপন করা আমি পরিলক্ষিত হয়েছে। হব, আমি বিচারক মন্ডলে বিবেচনা করে পেলাই ভক্তি গ্রুপের যেখানে আমার দিবলগা আছে। মই তো ইয়াত আইছিল নিউজ করিবলে, হঠাৎ আপনার পালো। হয় হয়, আপনার নতুন মেম্বার এবার অঞ্জলি বড়ুয়া ন? হয়। তেও তার কি বলবেন, কিরকম লাগলো এবার নতুন আপনি জাজ হয়েছেন এখানে? হয়, মই বিচারক হয়ে পেলে বহুতে সুখী আছো আৰু মোৰ বাবেও এটো সৌভাগ্যবান। মই নিজকে ভাবিছোঁ যে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 6:30 পৰা মই ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া অকল মাৰ দৰ্শন কৰি আছোঁ মণ্ডপে মণ্ডপে ঘূৰি পেলাই। যদিও আমি মাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ ইমান সক্ষম নহয়, তথাপিও যি কাৰুকাৰ্য হৈছে, কীৰ্তি এইবিলাক দেখুৱাইছে নিজৰ আমাৰ যিখিনি শিল্পীসকলে আছে, আমি সেইবিলাকৰ ওপৰতে আমি এটা বিচাৰ এটা নিজৰ প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে, সকলো যি মণ্ডপত গৈছোঁ আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰ সমাদৰ কৰিছে, আমি সেইটো চাই পেলাই বহুত আপ্লুত হৈছোঁ। কহা থা কি তিনিচুকীয়া মে হিন্দী ভাষী সমাজ দ্বাৰা যে দুৰ্গা পূজা আয়োজিত কি যাতি হে, উসমে কুছ নাম এসে হে জিনে জব কভি ভি তিনিচুকীয়া কে হিন্দী ভাষীয় কি দুৰ্গা পূজা কা ইতিহাস লিখা যায়গা তো উসে স্বর্ণ অক্ষরো মে হি লিখা যায়গা। উনমে সে থে স্বর্গীয় রাজু খেমকা, ললিতজি আগরওয়াল, স্বর্গীয় ললিতজি আগরওয়াল নোপোখরি, আর হিজুগুড়ি নিউ তিনসুকিয়া হিজুগুড়ি পূজা সমিতি যে এই বর্ষ রজত জয়ন্তী কা পালন কর রই হিস 25 বর্ষ তক সচিব থে পবনজি আগরওয়াল, জিনকা দেহান্ত পূজা মণ্ডপ মে বিমার হোনে কে বাদ আজ হো গিয়া, বহুত হি দুঃখদ সমাচার হে। ইয়ে 3 এসে স্তম্ভ থে জিনে কভি নেই ভুলা যা সকতা,
और आपको बताते चले कि 20 वर्ष पूर्व जब स्वर्गीय शारदा देवी खेतान स्मृति न्यास द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ईएससी न्यूज के सहयोग से, उस वक्त सिर्फ दो निर्णायक थे, स्वर्गीय राजू खेमका एवं वर्तमान के वरिष्ठ पत्रकार अमूला खाटनियार, और उसी राजू खेमका के सुपुत्र, सुयोग्य सुपुत्र नितिन खेमका हमारे साथ हैं। देखिए, आपके पिताजी की याद तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्या कहिएगा? आपको पिताजी से क्या प्रेरणा मिली? आप जो हर साल घूमते हैं, पिताजी के बाद आपने इस शारदा ट्रॉफी से आपका संबंध बना, क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये जैसे शारदा ट्रॉफी जो है, मैं इसको अपना परिवार का ही समझ लीजिए पुरस्कार ट्रॉफी मानता हूँ। ये जो उत्सव मनाया जाता है, ये जो पुरस्कार वितरण किया जाता है, संजय खेतान जी जो हैं उनसे हमारा एकदम पारिवारिक रिश्ता है। तो आज जो भी मतलब मेरे पिताजी इस चीज़ में स्टार्टिंग से थे, शारदा ट्रॉफी के फाउंडेशन के समय से थे, और उन्होंने जैसे जैसे हमें आके बताते थे कि मैं ऐसा पूजा घुमाऊँ, ऐसे ऐसे हमने जज किया है। एक बार उनके साथ जाने का भी मौका मिला तो हमने देखा किस तरह से वो जज करते हैं। तो उनके देहांत के बाद 2016 के बाद संजय जी खेतान ने मेरे को अप्रोच किया कि नितिन, तुम्हारे पापा का जिम्मेवारी तुमको संभालना है। तो मुझे बहुत उत्साह फील हुआ कि चाचा जी ने मेरे को उस योग्य समझा, और मैं फिर मतलब शारदा ट्रॉफी से जुड़ा, और जो मेरा पापा का कर्तव्य था उसको आगे बढ़ाता रहा। और जाना पहचाना नाम है, यहाँ आए हुए हैं शारदीय उत्सव की पुन प्रथम अपना चेनेलर माध्यम समूह तीनचुकियाबी राइज शारदीय दुर्गोत्सव शुभेच्छा ज्ञापन कर आपलोल देखे तीनचुकियात जथेष सुंदरको दुर्गा पूजा आयोजन करते और कईबाखों आयोजन करते। यार प्रथम आज प्रथम मैं ऊल्सुए कि जथेष भल लगे ऊल् देखे जथेषखिन मानु ऊल् पूजा चावल एबार आशा करगंतुक दुदिन जो सुंदरको मानु इतना पूजा चाय। धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ 7 नंबर वार्ड की पार्षद ममता कलवार। आप 7 नंबर वार्ड की पार्षद ममता कलवार, लेकिन इनका एक अलग परिचय है। ये जो लोबो लगा हुआ है पीक न्यूज़ का, एक समय जब पीक न्यूज़ हमने शुरुआत की थी तो उस समय हिंदी और आसामी दोनों न्यूज़ की एंकर ममता कलवार जी थी। याद है? बात याद दिला दिया। याद है कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। वो मेरा जीवन का वो एक समय था, तो याद तो होगा ही। वो सुनहरा मौका को कैसे तो उस समय तो कभी कभी मैं कैमरे में रहता था तो कभी कभी बोल दिया करता था, नोहे भूल हुई से भाल के कोक अपनी। अब तो वो नहीं, वो सीखने का मौका मिल रहा था हमको, और भी अच्छा लग रहा था। उस समय में नया नया हम निकल के आए हुए थे, उसी का आशीर्वाद से आज ये पोस्ट में है। आपको बता दें कि उस समय ममता जी कहती थी, सबकी खबर ले, सबको खबर दे, इसी मूल मंत्र के साथ मैं पीक न्यूज से ममता कलवार, है कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर याद है ना? हाँ, याद, ये डायलॉग याद रहेगा? हाँ याद है, क्यों नहीं याद। तो आपके 7 नंबर वार्ड में इतना बार बोली हो रहा है, क्या बोली है आप? আনা লোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি মই সমূহ ভাৰতবাসীক দুৰ্গা পূজাৰ হাৰ্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ দুৰ্গা পূজা ইমানেই হৰ্ষ মানে ভালকৈ উদযাপন কৰিছে যে ষষ্ঠমীৰ পৰাই মানুহে পূজা চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইটো দেখি পেলাহেনি মানে আৰু ভাল লাগিছে, মানুহবিলাক আৰু উৎসাহ হৈ পেলাহেনি পূজা চাবলৈ ওলাই আহিছে। সেইটো চাই পেলাহেনি বহুত ভাল লাগিছে। দুবছৰ দিন কৰোণাৰ কাৰণে মানুহে ওলাব পৰা নাছিলে, সেইখিনি চব খুব এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত মানুহে মানে ভালকৈ উদযাপন কৰিছে। চাই ৰতনশীল জিনে হাম বহুত প্যাৰ সে বুলু কহতে হ্যাঁ কি বলবেন এই পূজার বিষয়ে? প্রথমতে মই ফিক্স চ্যানেলের যোগেদি সমূহ তিনচুকীয়াবাসী রাইজলে আমি শারদীয়া দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, লগতে মা দুর্গার ওসর প্রার্থনা করছো যে এই শারদীয়া পূজার যোগেদি সকল জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখক, আর সকল পরিবারবর্গলে সুখ শান্তি কৰিয়াই আনক। আৰু এই আমাৰ এই 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিখনৰ পূজা, এটি অতি পুৰণি পূজা। 1956ৰ পৰা এইখন পূজা আমি পাতি আছোঁ, তাৰ যোগেদি ইয়াত এখন স্কুলৰ নিৰ্মাণ হৈছে, আপোনালোকে গম পায়। তাৰপিছত এইটো অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলনেৰে আমি এই সাময়িকভাৱে এই পূজাখন পাতোঁ। আশা কৰোঁ এই পূজাত সকলো আহি আমাৰ মাৰ ওচৰত
सेवा जानाय जाते प्रसाद ग्रहण करे ताके अनुरोध जानाय। धन्यवाद। जैसा कि हम लगातार पीक न्यूज में बता रहे हैं कि तिनसुकिया में बहुत सी पूजाएं आयोजित की जाती है, जिनमें से बहुत सारी पूजाएं विभिन्न तरह के, कहीं महल बनाया जाता है, कहीं मंदिर बनाया जाता है, सबका ध्यान इस ओर रहता है कि पंडाल के निर्माण, लाइटिंग की सजावट के ओर आकर्षित हो। और वहीं अधिकांश पूजाएं होता है क्या कि माँ की पूजा अर्चना पूरे धर्मीय रीति रिवाजों के साथ की जाती है, पूरे धर्मीय परंपराओं के साथ की जाती है। और यह दृश्य आपको कब देखने को मिलेगा, जब अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जब अंजलि होता है, उस समय आप किसी भी ऐसे पूजा पंडाल में पहुंचिए जो आडंबर रहित ढंग से माँ की देवी अर्चना के लिए वो पूजा आयोजित करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज सप्तमी है, पर यहाँ ये शायद मेरे ख्याल से इसी वार्ड की महिलाएं हैं, यहाँ इनका हुजूम जमा है। कुछ देर पहले हमने आपको दृश्य दिखाया था कि यहाँ ढाक, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो दुर्गा पूजा के अवसर पर या किसी भी बंगभाषी समाज के शुभ अवसर पर उसका उपयोग किया जाता है, वो बज रहा था। और ढाक की ताल पर ही आरती होती है और यह परंपरा हमेशा ही कायम रहेगी। कहीं दिखावा होगा तो कहीं भक्ति होगी। आप बने रहिए पीक न्यूज के साथ, लेकिन एक चीज मत भूलिए, क्या आप जाइए यूट्यूब पर PEAK पीक न्यूज टाइप कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन सपना नेवार के साथ कृष्णा उपाध्याय, पीक न्यूज तिनसुकिया। इस समाचार के प्रायोजक हैं। लुकिंग टू ऐड अ स्प्लैश ऑफ कलर टू योर वर्ल्ड? लुक नो फर्दर। Introducing Asian Paints Acolyte. Acolyte Gloss. Premium Enamel. Unbelievable prices await you at our store. Hurry and visit our store today to discover the unbelievable prices on Asian Paints Acolyte. Don't miss out on this amazing opportunity to revamp your home with style and savings. Contact 9435037936, 9957937936, 9957714619. Kanoi Brothers, Tinsukia.